वेज से रिलेटेड कोई वैकेंसी होती है तो मैं डाल देता हूँ, बाकी और कंट्री का नहीं डालता। अगर हमारे राजस्थान में कोई वैकेंसी मेरे बंदे जानकार जो बंदा है मेन पावर उसके पास होती है तो मैं एक दो वीडियो उनका डाल देता हूँ। दुबई से रिलेटेड ये वैकेंसी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इसलिए डालना मुझे पड़ता है, आप लोगों की रिक्वायरमेंट जो होती है वो आती है सर एसी टेक्नीशियन का बताओ, या फिर जो जो बंदा जिस कैटेगरी का होता है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करता है, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आते हैं या फिर जॉब से रिलेटेड आते हैं कि सर जॉब है तो हमें बताइए। तो भाई जॉब है वीडियो बना के डाल देता हूँ, इंटरेस्टेड होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक वीडियो में अगर एक दो बंदे को भी फायदा होता है तो ठीक होती है, अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं। जो कहीं से भी अप्लाई करते हैं उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली नॉलेज आता है, नॉलेज मिलता है कि इस कैटेगरी में अपन जाएंगे तो ये अपने को मिलेगा दुबई में जाके। क्या पता हो सकता है जिन्होंने ज़्यादा बता रखा होगा मैंने आपको कम बताया होगा, समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि वीडियो देख के आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन कहीं पर भी आपने अप्लाई कर रखा है तो आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगा। एसी टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट है साथियों, ठीक है, इसमें आपको फायदा ये हो जाएगा, चाहे आप दुबई में बैठे हो, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप पाकिस्तानी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुबई की ऑफिस है तो दुबई में बहुत सारी कंट्रियों के लोग बैठे हैं, ठीक है, तो ये उनके ऊपर भी लागू होता है। काफी सारे वहां से मैसेज करते हैं सर हमें जॉब बताइए, हम जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर हमारी कंपनी में काम नहीं है, हम अलग काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एसी टेक्नीशियन का काम अगर आता है तो आपको सैलरी मिल जाएगी इसमें 1500 से तो 1880 तक, यानी 1500 दुबई दराम से 1800 दुबई दराम तक इसमें सैलरी मिल सकती है, डिपेंड करता है आपके काम पे, आपके एक्सपीरियंस पे। ये सैलरी आपको आराम से मिल जाएगी, प्लस अकोमोडेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, रहना कंपनी की तरफ से, ट्रांसपोर्टेशन आपको मिल जाएगा, खाना खुद को बना के खाना पड़ेगा, ये इसमें कंडीशन है। बाकी दुबई रहते हैं उनको पता है भाई, लगभग लोग 80% दुबई में खाना बना के ही खाते हैं। हाँ, मेसन मिल जाता है, जो आपका मेस है वो मिल जाता है, या फिर बर्तन भांडे गैस वगैरह अवेलेबल सुविधा वो हो जाती है, सामान मिल जाता है, बना के पका के खाओ, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, मेडिकल इंश्योरेंस, 2 साल का वीज़ा, ये तो नॉर्मली मिलता है, ये जुम्मा की छुट्टी हो जाती है, ये सब लोगों को पता ही होता है। नेशनलिटी की बात करें तो पाकिस्तानी इंडियन दोनों लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया से जाना चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं, या फिर दुबई में आप हो तो वहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है साथियों। ये ओनली फॉर एसी टेक्नीशियन से रिलेटेड है, जिनको काम आता है वो इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, मैंने मेरे हिसाब से आपको जानकारी दी है। भाई ज़्यादा अगर आपको इंक्वायरी लेनी है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट नंबर लेके वहाँ पे डायरेक्ट आप बात करके इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो दुबई वाले भी दुबई के नंबर लेके बात कर लें, इंडिया वाले भी, यहाँ से भी आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, वीज़ा रहेगा 2 साल का, ठीक है, जो कंपनी आपको देती है दुबई में, सब लोगों को जो दुबई रहते हैं या दुबई जाना चाहते हैं उन सबको पता होता ही है। तो मैंने मेरे हिसाब से इंक्वायरी दी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन का जो बटन उसको दबा लें। सैलरी मैं छोटे में बता दूँ कि भाई 1500 से 1800 का मतलब 30-35 हज़ार ओवर टाइम करके बंदा अच्छा पैसा 40,000 तक इसमें